सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्डा जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या अप्रोच रख रहे हैं मार्केट के लिए। गुरमीत, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शानदार बैकग्राउंड आपका, ये पीछे गोल्डन टेम्पल। हाँ जी, हाँ जी, गोल्डन टेम्पल है। ओके, गोल्डन टेम्पल पीछे। अगर मेरी किस्मत रही तो शायद इस वीकेंड पे मुझे जाने का मौका मिलेगा वहाँ पर वैसे। लेकिन गुरमीत, एक काफ़ी अच्छा साल रहा मार्केट के लिए फाइनेंशियल ईयर। मैं देख रहा था कि अगर आपने सबसे फिसड्डी इंडेक्स में भी पैसा डाला तो भी आपके 17-18% बने, और अच्छे अच्छे इंडेक्स में तो 120-130% तक के रिटर्न्स मार्केट ने जनरेट करे। अब ऑब्वियसली बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक एबरेशन वाला ईयर था, क्या यहाँ से एक्सपेक्टेशन थोड़ी म्यूटेड हो, या वही एक्सपेक्टेशन इस साल भी रखी जाए? अनिल जी, पहले तो आई थिंक हमें थैंक यू करना चाहिए। बहुत अच्छा फाइनेंशियल ईयर गया है इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली जो जो जिन्होंने इंडिया स्टोरी में बिलीव किया, डिसिप्लिन तरीके से स्टे पुट रहे। बहुत ज़्यादा नॉइज था नवंबर से कि ये वाला पॉकेट ओवर वैल्यूड है, यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है। मार्केट को रीजन चाहिए होते हैं कुछ एक्सेसेस कवर करने के लिए, वो उनको मिले तो कुछ कुछ पॉकेट्स में स्मॉल मिड कैप के ब्रेकडाउन आया और अभी तक रिकवरी नहीं आई है, जबकि ब्रॉडर इंडेक्स वापस जो है ऑलमोस्ट न्यू हाई की तरफ जा रहा है, 122-200 की तरफ। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन सॉबर डाउन करना चाहिए क्योंकि क्योंकि स्पेशली स्मॉल मिड कैप स्पेस में बहुत रिटर्न बना है, पीएसयू स्पेस में बहुत रिटर्न बना है, एनर्जी स्पेस में बहुत रिटर्न बना है, डिफेंस में बहुत कई कई पीएसयू 2-3x हो गए हैं। तो ऑब्वियसली उन पॉकेट्स में थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। मुझे लगता है थोड़ा सा रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है लार्ज कैप की तरफ, स्पेशली जहाँ पे अर्निंग स्ट्रांग है, जैसे L&T ने न्यू हाई बनाया। अब उन्होंने कमेंट्री में बोला था उनका जो ऑर्डर प्रॉस्पेक्ट है Q4 का वो करीबन करीबन 6.3 लाख करोड़ है, तो ऑर्डर प्रोस्पेक्ट अच्छा है। मेट्रो राइडरशिप इम्प्रूव हुई है हैदराबाद मेट्रो की, ओवरऑल केपेक्स साइकिल अच्छी है। सिमिलरली मुझे लगता है कुछ बैंक्स फोकस में आएंगे, बैंक निफ्टी एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है, स्पेशली लेड बाय द बेलवेदर HDFC और कुछ हद तक कोटक। मुझे लगता है थोड़ा सा बैंक्स वापसी करेंगे, जैसे जैसे लिक्विडिटी ईज होगी, रेट कट शुरू होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे, तो वो एक मुझे लगता है क्योंकि EPS ग्रोथ शानदार है फाइनेंशियल्स की। तीसरा, कुछ पॉकेट्स में अच्छे एग्जिट्स हुए हैं, पी के एग्जिट्स हुए हैं, कई जगह प्रमोटर्स ने एग्जिट किया, MNC जो पेरेंट कंपनी है वहाँ पे कुछ ट्रिम्स हुए हैं, वहाँ पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनी है, करेक्शन 20-25% आया है इन इवेंट्स के बाद, तो थोड़ा सा सॉबर डाउन रही है। और अनुज, आपको याद होगा मैंने 10 ईयर जी से मैं 3-4 महीने से बोल रहा हूँ, जब 7.25 का लेवल था, आज 7.03 है। आपका जून में बॉन्ड इंक्लूजन होना है, गवर्नमेंट ने अभी फर्स्ट हाफ की बोरिंग अनाउंस करी है कि जो सिर्फ 7.5 लाख करोड़ है, जो कि इस डेकेड की सेकेंड लोएस्ट है, उसके अलावा लिक्विडिटी इज हो रहा है, तो ये बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। यील्ड्स नीचे आएंगे अगले 6-12 महीने में, तो आपको 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड भी डबल डिजिट रिटर्न बना के दे सकता है। ओके, 10 ईयर बॉन्ड भी डबल डिजिट रिटर्न बना के दे सकता है, बस उसमें थोड़ा टैक्सेशन वाला एंगल फंस गया, तो